नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन के विषय में। ये जो आप फार्म देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पड़े हुए हैं अभी, और इस फार्मर के मालिक से भी मिलने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं यहाँ के फार्मर जो हैं विवेक जी, अब इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है अपना इस फार्म की शुरुआत की और कितना ये प्रॉफिट कमाते हैं इस फार्म से। स्वागत है विवेक जी आपका, स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब में स्मार्ट फार्मिंग में। विवेक जी, हमको ये बताइए कि किस तरह से आपने इस फार्म की शुरुआत की और ये कितने एरिया में बना हुआ है आपका फार्म? ये दो सेट है, एक 3600 दूसरा भी 3600, टोटल 7200 स्क्वायर फीट में बना है। और इसमें कितने बच्चे आते हैं एक सेट में? एक सेट में 3000। 3000 बच्चे, एक सेट इधर बना हुआ है, एक सेट उधर बना हुआ है। तो सर, आप किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? बैंकिंग इंडिया लिमिटेड। बैंकिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं आप, तो इसमें किस क्या प्रक्रिया बैंक मतलब कंपनी आपको क्या क्या देती है, प्रोवाइड क्या क्या करवाती है? जैसे सेट तैयार करेंगे अपने पैसे से जी, और कंपनी चिक्स देगी, फीड देगी, मेडिसिन देगी जी। जैसे उसको हम तैयार करके 35 से 40 दिन में मुर्गा देंगे जी, तो करीब 7-7.5 रुपये किलो पर केजी कमीशन बेस पर रहता है। तो कंपनी से जुड़ने का अगर कोई हमारा फार्मर कोई भाई करना चाहता है, अगर बनना चाहता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या है? जैसे तो सबसे पहले ये है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी होना ज़रूरी है जी। आसपास में करीब 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे कोई फार्मर हो जी, रिलेटिव होना चाहिए। जैसे उसकी गारंटी वगैरह लगता है, 3 चेक लगता है, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये लगता है। उसी के माध्यम से जैसे वो गारंटी ले लेंगे तो आप अगर फार्म बनाए हैं तो इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। ये विवेक जी, कितने दिन के बच्चा पड़े हुए हैं इस फार्म में आपके? अभी कितने दिन के हो गए बच्चे? ये 14 दिन का हो गया। 14 दिन के लगभग 400 ग्राम वेट होगा इसका। 400। और कितने दिन में तैयार हो जाते हैं बच्चे? ये मान के चलिए 35 दिन में करीब 1800 से 1900 ग्राम हो जाएगा। 1800 से 1900 ग्राम। तो ये 45 कितने दिन में बिक जाता है? ये 34-35 दिन से स्टार्ट हो जाता है बिकना जी। कभी कभी एक दिन में खाली हो जाता है, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन ऐसे लगता है जी। जी सर, इसमें दिक्कतें क्या क्या आती है मुर्गी पर? जैसे कोई फार्मर करना चाहे तो इसमें इसके लिए मौसम कौन सा सही है? मौसम देखिए, हर मौसम में समस्याएं चलती रहती हैं इसमें। जैसे CRD हो गई है जी, जैसे ये जैसे आदमी में लक्षण होता है सर्दी का, खांसी का, इसको इसमें CRD कहते हैं जी। और एक इकोलाई होता है जो किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, ये सामान्य है। जैसे अगर पानी साफ नहीं रहेगा जी तो किडनी इन्फेक्शन, अगर डायरेक्ट हवा लग गया तो CRD बन जाएगा, ये सब प्रॉब्लम आती है। कुछ कुछ अगर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सर, इसमें एक दिक्कत ये भी आती है, जब बच्चे आते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनका किस तरह से आप जो है देखभाल करते हैं? देखिए, जो बच्चे आते हैं पहले स्टार्टिंग में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जी। आते हैं तो स्टार्टिंग में गुड़ पानी ये सब ठंडी में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बुखारी और हो गया, गैस ब्रूडर हो गया, पूरी पैकिंग करके ठंडी में ज़्यादा मनाता है, गर्मी में उतनी ज़्यादा नहीं होती है दिक्कत। ठंडी में तो 15 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जी। हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि इससे फार्म से कितनी आदमी जो है कमाई कर सकता है? अब जैसे हमारा फार्म मान चलिए 5500 चूजा पड़ता है हमारे यहाँ जी, तो मान के चलिए 80 से 90 हज़ार के बीच कमीशन आता है जी। तो लगभग 15,000 रुपये खर्चा बैठ जाता है लेबर और भूसी का जी। तो इसमें आपने कितने लेबर रख रखे हैं? बस एक आदमी और हम लोग थोड़ा हेल्प करते हैं जी। विवेक जी, आप हमने सुना है कि आप पहले एयरफोर्स में थे, आपने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी, क्या रुचि है आपकी, मतलब क्या करने की रुचि थी आपकी? हमें अपना सेल्फ बिजनेस करना था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। वहाँ 3 साल इंडियन एयरफोर्स में उड़े हुए थे जी। सर, एयरफोर्स की नौकरी तो ये अच्छी थी, तो क्या दिक्कत थी उसमें और इसमें क्या फ़ायदा है? ये अपना सेल्फ बिजनेस है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं जी। जैसे अभी पहले एक स्टार्ट किए, प्रॉफिट हुआ दूसरा किए, अब नेक्स्ट संडे में तीसरा का प्रोग्राम बन रहा है जी। तो जैसे एक सेट से लगभग 30,000 कमाई हो जाती है। हमारा सवाल ये है कि अगर कोई
हमारे दर्शकों का सवाल यह है कि अगर फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें लागत कितनी आती है? तो मान के चलिए 3000 का सेट अगर बनवाएंगे, व्यवस्थित ढंग से बनवाएंगे जी, तो 4 लाख रुपए लग जाएंगे। 4 लाख बनने को 3 लाख में बन जाएगा जी, लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से बनेगा तो 4 लाख रुपए लगेंगे। इसमें सारा साल भर में इनकम कितनी हो जाती है? अब मान के चलिए 3000 के सेट में जी, 3000 के सेट में मान के चलिए लगभग 2 लाख रुपये। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो